हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज आप देख रहे हैं 29 जुलाई 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन को आज यहां पे हम करेंगे। तो आज हमारा क्या है ना, 30 जुलाई है, लेकिन हम यहां पे 29 और 30 दोनों दिन का हम न्यूज पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेन जो पेज है उस पर क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, 3 से 4 श्रेणियों में बढ़ सकता है OBC आरक्षण। ठीक है, क्या है OBC का मतलब, क्या होता है अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास हमारा OBC का मतलब होता है। तो यहाँ पे एक कमेटी गठन किया गया था जिसका नाम था रोहिणी कमेटी। तो 27% जो है वो OBC को आरक्षण दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कास्ट है जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है और बहुत सारे ऐसे कास्ट है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको बताया है कि 3 से 4 श्रेणियों में OBC आरक्षण को बांट सकते हैं। अब देखिए आखिर ये होगा कैसे। आरक्षण के बाद भी इसका लाभ से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको OBC के बोलते हैं, जिसमें कई जातियों को अपने हक से जुड़े लाभ के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। करीब 6 वर्षों की लंबी क्या है जिदोजहद के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ने OBC आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है, क्या है क्या नहीं है ये बताया नहीं गया है, और अगले 1 से 2 दिन में सरकार को सौंपने की तैयारी भी है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके तहत OBC आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली प्राथमिकता में ऐसे उन सभी जातियों को रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें अभी तक इसका एक बार भी लाभ नहीं मिला है। OBC में इन जातियों की संख्या करीब 1500 है। यह बात अलग है कि इनकी आबादी अन्य OBC जातियों के मुकाबले काफ़ी कम है। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से समय मांगा है और उसका कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। OBC आरक्षण को बांटने के लिए 2 फार्मूला तैयार किए गए हैं। पहला फार्मूला में 3 भागों में बांटा जाएगा और दूसरा फार्मूला में 4 भागों में बांटा जाएगा। 3 भागों और 4 भागों का मतलब ये है कि 3 भागों में हमने क्या है जो भी कास्ट है OBC में, तो कुछ कास्ट को हमने क्या है मतलब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उसी तरीके से हमने क्या किया है कि जो 4 भागों में है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्या ना फोर्थ, 4 कास्ट में हम यहाँ इस पे क्या है बांटेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, 3 भाग और 4 भाग का मतलब क्या है। तो आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक OBC आरक्षण को बांटने के लिए 2 फार्मूला तैयार किए गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। पहले फार्मूला में OBC आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश है। इनमें पहली श्रेणी में OBC को ऐसे 1500 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। इन्हें 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। मतलब वैसे कास्ट जिसका अभी तक कोई आरक्षण नहीं मिला है उसको 10% का आरक्षण देने की बात कही गई है। दूसरी श्रेणी में ऐसे जातियों का रखा गया है जिन्हें 1 या 2 बार इसका लाभ मिला है। इनका संख्या करीब 1000 बताई गई है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। तो 10% पहले हो गया, 10% अभी हो गया और उसके बाद बचा 7%। तो जबकि बचे 7% जो आरक्षण जो है उन जातियों को रखा गया है जिन्होंने अब तक OBC आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लिया है। इन जातियों की संख्या करीब 150 है। सूत्रों की माने तो कई राज्य इस पैटर्न पर OBC आरक्षण का बंटवारा कर चुके हैं। अब दूसरा फार्मूला के बारे में बात करते हैं। तो आयोग ने OBC आरक्षण के बंटवारे का जो दूसरा फार्मूला दिया है इसमें इसे 4 श्रेणियों में बांटने का सुझाव है जो पहले वाले फार्मूला जैसा है, लेकिन इसे आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों तक पहुंचाने के लिए इसके दायरों को और छोटा किया गया है। इसमें पहले श्रेणी 10%, दूसरा 9% और तीसरा 6% है और चौथा क्या है हमारा 2% रखा गया। देखिए, पहला में 10%, दूसरा में तो 10 और 9 19 हो गया, तीसरा में 6 तो 19 21 5 25 हो गया, चौथा में 2% 25 और 2 27। टोटल आरक्षण हमको 27% ही मिलना है, लेकिन उसमें 3 भागों में बांटा गया है और इसमें 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या होगा कि शैक्षणिक संस्थानों में किए लिए गए दाखिलों और सरकारी नौकरियों को लेकर जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है और तथ्यों पर आधारित है। इसे बंद लिफाफे में सरकार को सौंपा जाएगा। इसे कैसे और कब अमल में लाना है यह फैसला सरकार को करना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए 50% जो वित्तीय सहायता जो है वो देंगे, ये मोदी जी का बोलना है।
कि जो सेमीकंडक्टर संयंत्र है उसके लिए 50% वित्तीय सहायता जो है वो सरकार देगी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वह सब भारत में मौजूद है। हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए यहाँ फैक्ट्री स्थापित करने वाले को हम 50% की वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सिर्फ एक साल में सेमीकंडक्टर में निवेश को लेकर हवा का रुख बदल गया है। पिछले साल बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया के आयोजन के दौरान निवेशक पूछते थे कि भारत में निवेश क्यों किया जाए, आज निवेशक पूछते ये हैं कि निवेश भारत में निवेश क्यों नहीं किया जाए। यहाँ सस्ती बिजली और डिजिटल सुविधा उपलब्ध है। पिछले एक दशक में सोलर उत्पादन की क्षमता 20 गुना बढ़ी है। इस दशक के अंत तक हमें हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए दुनिया के भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है और वह सिर्फ भारत देश में है, क्योंकि भारत में स्थिर, जिम्मेदार और सुधार की ओर बढ़ने वाली सरकार है। यहाँ बात करते हैं कि गुजरात गांधीनगर में शुक्रवार को सेमिकॉन इंडिया 2023 में फॉक्सन के चेयरमैन, फॉक्सन आपको बता दें कि ताइवान की कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनी, जिसको वेदांता के साथ क्या है ना टाइप हुआ था, लेकिन ये वेदांता के साथ क्या है ना जो भी टाइप था वो सब तोड़ दिया और उसके बाद कई नई कंपनी क्या है तलाश कर रही है भारत में, जिसके साथ वो मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी। तो फॉक्सन के जो चेयरमैन जो है एनसीयू, जिसका नाम है यंग लियू, के साथ क्या है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आपको फोटो आपको दिख रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव में ही इंडिया को मिलेगा आपका साथ। देखिए ध्यान से ये क्या बात बोला जा रहा है, अभी इंडिया जो है आई से क्या बोलेंगे इंडियन, एन से बोलेंगे नेशनल, डी से डेवलपमेंट, आई से हमारा इंक्लूसिव और ए से हमारा अलायंस। ये विपक्ष का एक अलायंस है जिसको इंडिया नाम दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया है, तो उसी में एक है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी बोला है कि लोकसभा चुनाव में ही इंडिया को, मतलब कांग्रेस को, एक तरीके से आपका साथ मिलेगा। तो ये इन्होंने क्या है ये बात को पुष्टि कर दी है, ये बात इन्होंने बता दिया है। देखिए नेक्स्ट हम न्यूज बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें जापान के लिए भारत जो है एक अनिवार्य साझेदार है। देखिए मार्च 2023 में भारत यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, याद रखेगा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपने देश की हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति जारी की थी। इनके इस कदम को कई विशेषज्ञों ने चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के विरुद्ध भारत और जापान के भावी सहयोग के तौर पर देखा था। देखिए भारत के निवेश माहौल से शिकायत कि क्या क्या शिकायत है, तो जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने भारत में जापान की तरफ से होने वाले निवेश का मुद्दा उठाया। उन्होंने शिकायत रखी कि जापान की कंपनियों को भारत बाजार में कई तरह के समस्याओं को जूझना पड़ता है। दरअसल योशिमासा के अनुसार शुक्रवार को भारत में काम करने वाली जापानी कंपनियों के साथ अलग से बैठक हुई, जिसमें भारत के निवेश माहौल को लेकर विमर्श हुआ। जापान के विदेश मंत्रालय को उप प्रेस सचिव युकिको ओकाना ने बाद में प्रेस वार्ता में बताया कि जापान की कंपनियों को भारत सरकार की अस्थिर नीतियों पर आपत्ति है। उनका कहना है कि इस बारे में सरकार के स्तर पर बात होनी चाहिए ताकि भारत को कर और दूसरी नीतियां स्थिर रहे, ऐसा बात हो रहा है। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि पाक बलूचि, ये देखिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट क्या एक तरीके से मुद्दा है जिसके बारे में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ जो आपको एक और रीजन है जिसका नाम है बलूचिस्तान, जहाँ पे लोगों को बलूच बोलते हैं। तो बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मान चुकी, नाम है प्रोफेसर नायला कादरी जो है वो इंडिया से हेल्प मांगने का रिक्वेस्ट की है कि हमको पाकिस्तान से बलूचिस्तान को मुक्त कराने में भारत जो है वो सहयोग करे। उन्होंने बहुत सारे क्या ना बात बोली है, बहुत सारे पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे बातें बोले हैं कि पाकिस्तान जिनोसाइड का एक अच्छा उदाहरण है, पाकिस्तान जितना मुस्लिम को मारा है उतना दुनिया ने किसी को नहीं मारा। उन्होंने बहुत सारे बात बोला, जैसे फिलिस्तीन को क्या इन्होंने क्या है ना मारा है,
उसके बाद क्या है ना, बांग्लादेशी को इन्होंने क्या है ना मारा है, 30 लाख बांग्लादेशी को मारा है। उसके बाद अफगानिस्तान 4 लाख अफगानिस्तानी को मारा है। उसके बाद बलूचिस्तानी को 2 लाख बलूचिस्तानी को मारा है। 6 लाख जो है इन्होंने 10,000 इन लोग फिलिस्तीनी को मारा है। तो इन्होंने बताया है कि जिनोसाइड का एक उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो जितना मुस्लिम को मारा है वो पूरे देश में कोई किसी को नहीं मारा है। इन्होंने ये भी बात बताया है कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, जिनको शौक होता है कि नहीं हम पाकिस्तान जाएं, तो ये भूल जाएं। पाकिस्तान में अगर रहना है तो उनका बात क्या है मानना होगा। वो घर से क्या करते हैं, सिंध में जो भी महिलाएं हैं उनको उठा कर लेकर चले जाते हैं और जबरन मतांतरण करवाते हैं, इस्लाम कबूल करवाते हैं और उनको मुस्लिम से शादी करवा दिया जाता है। तो इन्होंने इस बात को पुष्टि की है। और इसी में क्या है, इन्होंने बात बोला है कि पाकिस्तान अधिकृत जिसका नाम है बलूचिस्तान के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही नेता डॉक्टर नैला कादरी बलोच ने कहा है कि इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान आज भी भारत का ही अंश है। कहा कि इस्लाम और कुरान दोनों ही घृणा के आधार पर निर्मित किसी भी चीज को न तो स्वीकार करते हैं और न मजहबी मान्यता ही देते हैं। पाकिस्तान का निर्माण हिंदू विरोधी घृणित मानसिकता के आधार पर हुआ है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। डॉक्टर नैला कादरी ने शुक्रवार को हरिद्वार में दैनिक जागरण के साथ यह बात साझा की है। इस दौरान उन्होंने स्वयं को बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया है। उसके साथ ही यह भी स्वीकारा है कि भारत सहित विश्व के किसी भी देश ने अभी तक बलूचिस्तान सरकार का और उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर मान्यता नहीं दी है। कहा कि बलूचिस्तान के निवासियों ने वर्ष 2016 में आपसी सहमति से बलूचिस्तान सरकार का गठन करते हुए उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नैला ने कहा कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का मामला वर्ष 1971 के बांग्लादेश और वर्ष 1948 के कश्मीर मामले से अलग है। बलूचिस्तान को इनसे अलग दृष्टिकोण मनोवृत्ति से देखने और समझने की आवश्यकता है। भारत सरकार और यहाँ के नागरिकों से बलूचिस्तान की आज़ादी में सहयोग की गुहार लगाते हुए उन्होंने पाकिस्तान में आतंक के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा आतंकवाद और पाकिस्तान के अवैध कब्जे से स्वतंत्रता चाहता है। इससे पूर्व धर्मनगरी पहुंचने पर नैला ने वीआईपी घाट पर भगवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री और आचार्य गिरीश मिश्र के सानिध्य में गंगा की पूजा की और हवन और कर विश्व शांति बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और इससे भारत के सहयोग की कामना की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को भारत से बेहद उम्मीद है। भारत के लिए उनके मन में हमेशा सम्मान और भाव रहता है। अब देखिए नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या होता है कि जिस तरीके से भारत बांग्लादेश को क्या ना आज़ाद करवाया, उसी तरीके से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाता है कि नहीं करवाता है, वो आने वाला समय में आपको दिखेगा। ये तो लगातार क्या ना इसका न्यूज है, दिमाग खराब हो गया इसको न्यूज क्या ना पढ़ते पढ़ते। पाकिस्तान पहुंची अंजू का दुबई कनेक्शन से भी आ रहा है सामने कि इसका दुबई से भी क्या कोई कनेक्शन है। एक अपने फेसबुक मित्र से मिलने पाकिस्तान गई अंजू की दुबई कनेक्शन भी खुफिया एजेंसियों के संज्ञान में आया है। एजेंसियों ने अंजू के बारे में पड़ताल की तो उससे बातचीत के रिकॉर्ड में दुबई के किसी शख्स से संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि अंजू ने नसरुल्ला से ज़्यादा बातें पहले उस शख्स से की है, इसलिए अब खुफिया एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि दुबई का वो शख्स कौन है। साथ ही एजेंसियों को ये पता चला है कि उसे पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला से शादी करने की बात वीजा के आवेदन पत्र में लिखी थी। मूल रूप से ग्वालियर के बोना गांव की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी। अपने पति और स्वजन को बिना बताए वह पाकिस्तान जा पहुंची। पाकिस्तान में वह नसरुल्ला नामक के युवक से मिलने पहुंची, जिसे वह फेसबुक फ्रेंड बता रही थी। वह उससे दोस्ती होने की जानकारी देती रही, लेकिन अब उससे निकाह की फोटो और वीडियो सामने आए हैं। नसरुल्ला बोला सरकारी नौकरी मिलेगी। इस बीच इंटरनेट मीडिया पर नसरुल्ला का एक और वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह बोल रहा है कि अंजू से निकाह किया है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए उसे यहाँ नौकरी मिलेगी। अब देखिए क्या है, हाँ अब यहाँ पे देखिए एडिटोरियल है जो कि बहुत अच्छा एडिटोरियल है, हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दवा कहीं दर्द ना बन जाए, देखिए दवा कहीं दर्द ना बन जाए। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में क्या है ना हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर ये लेखक जो है वो क्या बोलना चाहते हैं। केंद्र सरकार के मौजूद सत्र में
जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर नया विधेयक पेश करने जा रही है। कुछ लोग इस पहल को ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन इस बिल के मसौदे ने उन लोगों को मायूस किया है जो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को भारत विरोधी बनाए रखने वाले मूलभूत कारणों की इससे हमेशा के लिए समाप्ति की आस लगाए हुए थे। केंद्र सरकार का दावा है कि इस पहल के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं और गुलाम कश्मीर में बेदखल किए गए नागरिकों के लिए विधानसभा में 3 सीटें आरक्षित करने से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बीते 7 दशक में जम्मू कश्मीर की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में आए चारित्रिक परिवर्तनों को देखते हुए यह खतरा बढ़ गया है कि यह नया बिल के कुछ सुधार लाने के बजाय राज्य के शासन प्रशासन पर उन्हीं विभाजनकारी तत्वों के शिकंजे को हमेशा के लिए सुनिश्चित न कर दे जो जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक आधार पर अन्याय और भारत विरोधी माहौल के लिए जिम्मेदार है। बात केवल इतनी ही नहीं, विधानसभा में 1951 में खाली जा रही 24 सीटों को भरने के बजाय मात्र 3 सीटों पर निर्वासित कश्मीरियों और गुलाम कश्मीर विस्थापित के समायोजन का नया कानून इन भारत समर्थक समुदायों में फूट के बीज बो सकता है। यह भी ध्यान रखें कि महबूबा मुफ्ती और कुछ अन्य नेता इन सीटों पर नामांकन का अधिकार भी उपराज्यपाल के बजाय अपने हाथ में रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घटित परिसीमन आयोग ने राज्य में विधानसभा की सीटें 111 से बढ़ाकर 114 कर दी है। पहले कश्मीर में 46 और जम्मू में 37 सीटें थी, अब इस अंतर को घटाकर कश्मीर में 46 और जम्मू में 43 सीटों का प्रावधान किया गया है। अगस्त 2019 में राज्य पुनर्गठन के कारण लद्दाख के हिस्सों की 4 सीटें भी अब नई जम्मू कश्मीर विधानसभा का हिस्सा है। हालांकि पुनर्गठन आयोग ने शेष 24 सीटों को पूर्व की तरह खाली छोड़ दिया है। इसके चलते राज्य की विधानसभा में बहुमत वाला संतुलन कश्मीर घाटी के पक्ष में झुका रहेगा। संसद में पेश होने वाले बिल इस असंतुलन को संवैधानिक मान्यता देकर उसे स्थायी कर देगा। वर्ष 1951 में जब देश के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए पहला आयोग बना था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में बिना किसी चुनाव के ही नियुक्त किए गए अपने चहेते प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को राज्य विधानसभा का परिसीमन करने का अधिकार दे दिया। तब शेख ने मनमाने ढंग से 100 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया, उसमें कश्मीर घाटी को 43 सीटें, जम्मू को 30 और लद्दाख को मात्र 2 सीटें दी गई थी, जबकि राज्य की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर कश्मीर घाटी के वर्चस्व के लिए उन्होंने बची हुई 25 सीटों के पीओजेके गुलाम कश्मीर की नियुक्ति होने तक खाली छोड़ दिया। बाद में शेख अब्दुल्ला के इस परिसीमन आयोग को 1957 का जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधि एक्ट बनाकर कानूनी रूप दे दिया गया। 1995 में राज्य के दूसरे परिसीमन में विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 111 कर दी गई। इनमें कश्मीर घाटी को 46, जम्मू को 37 और लद्दाख को 4 सीटें दी गई। तब भी विधानसभा पर कश्मीरी नेताओं का दबदबा बनाए रखने के लिए 24 सीटें गुलाम कश्मीर के नाम पर खाली छोड़ दी गई। इससे पहले अनुच्छेद 370 की आड़ लेकर 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने भारत सरकार की राज्य में चौथे परिसीमन आयोग के प्रावधान लागू करने से रोक दिया, ताकि राज्य की व्यवस्था पर कश्मीरी नियंत्रण बना रहे। उस सरकार ने राज्य के संविधान में 29वां संशोधन करके विधानसभा के गठन को 2031 की जनगणना होने तक रोक दिया। इसका अर्थ था कि विधानसभा के प्रारूप में 2036 के चुनाव तक कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। विधानसभा पर अपने नियंत्रण और अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीरी नेताओं के मनमाने और अलोकतांत्रिक और अमानवीय फैसलों के उदाहरण का भरमार है। ऐसे उदाहरण किसी भी लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला द्वारा 1957 में पंजाब में रिझाकर लाए गए वाल्मीकि समुदाय, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी, राज्य के महाराज की सेना में पीढ़ियों से सेवारत गोरखा सैनिक के परिवारों और इन समुदायों को भावी पीढ़ियों से नौकरी, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और विधानसभा में वोट देने के अधिकार कानून छीन लिए गए। यहाँ तक कि उन्हें जमीन खरीदने, सहकारी बैंक में ऋण लेने और केंद्र की इंदिरा आवास योजना जैसी सुविधाओं को इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2019 में मोदी सरकार के संवैधानिक संशोधन के बाद ही
एक प्रतिबंध समाप्त हुए पाकिस्तानी हमले में मुजफ्फरबाद, मीरपुर, कोटली आदि में अपने सब कुछ लुटा कर आए हिंदू और सिख शरणार्थियों के लिए शेख सरकार ने अब इतनी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि उनका एक बड़ा तबका बाद में राज छोड़कर ही चला गया। राज्य सरकार ने कोई प्रशासनिक पेचीदगियाँ खड़ी करके इनमें से अधिकांश परिवारों को जम्मू कश्मीर में बेदखल भी कर दिया गया। मैं स्वयं एक ऐसे ही परिवार से हूँ। संसद में पेश किए जाने वाले बिल को लेकर यही शिकायत है कि इसके पारित होने से केवल 2031 या 36 तक ही नहीं बल्कि अनंत काल तक जम्मू कश्मीर विधानसभा और कश्मीर घाटी और वहां के नेताओं का वर्चस्व कायम रहेगा। नए कानून में विधानसभा में खाली रखी गई उन 24 सीटें गुलाम कश्मीर के विस्थापियों और घाटी से बेदखल किए गए हिंदू तक सिख समुदाय के प्रतिनिधियों को देकर राज्य का हमेशा के लिए अतिवादी राजनीति से मुक्त कराया जा सकता था। इन सीटों पर कोई साहसिक फैसला करने के बजाय केंद्र सरकार ने गुलाम कश्मीर से आये समाज का मात्र एक नियमित सीट देकर और युगों से कश्मीर घाटी को अभिन्न हिस्सा रहे हिंदुओं को मात्र 2 सीटों को झुंझुना पकड़ाकर ऐसा काम किया है कि जिसके दुष्परिणाम भारत की पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है। ये हमारा एडिटोरियल था। अब उसके बाद क्या ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज होगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज में हमारा क्या है कि पाक ने स्वीकारा भारत को ड्रोन के जरिए भेजी जाती है ड्रग्स। पाकिस्तान ने स्वीकारा है कि भारत को जो है वो ड्रोन के जरिए क्या है ना ड्रग्स भेजी जाती है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स क्या है ना ये आपको पंजाब में आता है, तो पंजाब में ड्रोन की सहायता से पाकिस्तान से क्या है ड्रग्स आता है। अमेरिकी सांसद ने कहा है कि दिवाली पर संघीय छुट्टी घोषित होना चाहिए। दिवाली पर क्या होना चाहिए, संघीय छुट्टी घोषित होना चाहिए। पाक में चीनियों पर हमले का षड्यंत्र रचने वाला 10 आतंकी गिरफ्तार। देखिए पाकिस्तान में पुलिस ने शुक्रवार को 10 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकियों ने चीनी नागरिकों समेत विदेशी नागरिकों को बड़ा आतंकी हमला करने का षड्यंत्र रच रहा था। आतंकियों ने पंजाब प्रशांत में मुहर्रम के व्यवधान पैदा करने का ही साजिश रची थी। पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग ने गुप्तचर आधारित अभियान के दौरान लाहौर, अटोक, सरगोथ, गुंजरावाला, मुल्तान और डीजी खान जिले में आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिए खोया गौरव प्राप्त करने उतरेगा श्रीलंका। 1996 में श्रीलंका विजयी हुआ था और अभी देखिए आपको 2024 में श्रीलंका देखिए कहाँ तक ये पहुँच सकता है, अब इस पर क्या करता है डिपेंड करता है। तो ये 29 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं 30 जुलाई का। तो देखिए 30 जुलाई का है कि भाषा पर राजनीति करने वाले को बंद करनी होगी नफरत की दुकान, ऐसा क्या ना नरेंद्र मोदी को बोलना है। आज हम जनसत्ता को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 30 जुलाई को, क्योंकि दैनिक जागरण का न्यूज नहीं मिला, लेकिन क्या ना इसमें भी क्या ना न्यूज क्या ना अच्छा है और इम्पोर्टेंट है जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। देखिए अधूरा भारत एक क्यों बोल रहा है इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे सोच विचार करेंगे। आखिर अधूरा भारत एक कैसे है। देखिए राकेश सिन्हा जी का है कि बोल रहे हैं कि बिहार के बेगूसराय में गंगा तट पर एक छोटा सा गांव है नौलागढ़। आधी शताब्दी पूर्व पाल वंश 750 से 1174 तक उत्तर भारत में 400 वर्षों तक शासन किया। यहां उसका भरपूर अवशेष मिला है। यह पर व्यवस्था और बुद्धिजीवी दोनों सोए रहे। उनके अनेक बहुमूल्य चीजें नष्ट हो गई, चोरी हो गई या विलुप्त हो गई। यह कहानी सिर्फ नौलागढ़ तक सीमित नहीं है, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य का हम्पी शहर है। उसकी धरोहर उदासीनता के कारण आधी अधूरी ही बची रही। औपनिवेशिक काल में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1861 में पुरातत्वों को संरक्षित रखने और धरोहरों की खोज के लिए किया गया था। इसके पास मात्र 4000 स्मारक है, जबकि एक अनुमान के अनुसार देश में 7 लाख से अधिक विरासत की संरचनाएं हैं। इसने स्वीकार किया है कि अपने धरोहर के प्रति उपेक्षा के कारण 35% स्मारक और अवशेष गायब हो गए। यूनेस्को की जानकारी चौंकाने वाली है। इसके अनुसार 1989 तक भारत के 50,000 कला सामग्री का अवैध निर्यात हुआ है। आखिर इनको सहेजना, सुरक्षित रखना और समझना क्यों आवश्यक है। इन प्राचीन धरोहरों के महत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इनको सुरक्षित सहेजित कहना रखने की भावना नहीं आई जाएगी। इनकी जानकारी विश्व के सभ्यताओं में हमारा स्थान और हमारी भूमिका बताते हुए हम कैसे और कौन थे
हमारा योगदान कला विज्ञान साहित्य दर्शन वास्तुकला में क्या था, इसका साक्षात्कार हमारी समकालीन साक्षी चेतना के साथ कराता है। इसी को राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त ने इन पंक्तियों को अभिव्यक्त किया है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी या आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। देखिए, दुनिया की सभ्यता में जब हम जो थे उसमें हम स्वयं अज्ञात बने रहे, इसने हमारी भूमिका को गौण और हमें कमजोर बना दिया। यूरोप ने जहाँ तक कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को टटोला है और उसके आधार पर जो पहचान दी है वही हम ठहर गए। हमारे कुलीन जो राजनेता जो हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि जो इतिहास के अभिलेख और धरोहर में माना है, उनके अनुसार स्वतंत्र भारत के नेहरूवादी राज ने भी नहीं किया बल्कि आधुनिकता बनाम पिछड़ेपन के विमर्श के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह घिरने की कोशिश होती रही। जो बातें अविवादित थी उन्हें विवादित बना दिया गया। इसने भारत के संबंध में विचारों की लड़ाई का सृजन किया। औपनिवेशिक काल से नेहरू युग तक गंगा यमुना संस्कृति का धुंधला और कृत्रिम विचार परोसा गया है। साझापन का यह विचार हमें अपने ही इतिहास को टटोलने पर पूर्व विराम लगाता रहा। भारत की बांध को बांधने का एक यह उपकरण था जो इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ते रहे, वे गंगा यमुना साक्षी संस्कृति के शत्रु घोषित रहे। स्वाभाविक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहली पंक्ति में रहा, परंतु संघेतर अनंत लोग और समूह अपनी अस्मिता की खोज में लगे रहे। विचार के संघर्ष के राजनीतिक चौहद्दी को अप्रासंगिक बना दिया। कांग्रेस के कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी से लेकर संपूर्णांत सहित साहित्यकार, समाजसेवी, पुरातत्वता आदि इस राह पर चलते रहे। बुद्धि प्रतिबद्धता के साथ परिश्रम ही परिणामकारी सिद्ध होता है। तो देखिए, बहुत अच्छा क्या है ना, ये हमारा एडिटोरियल है जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, जनसत्ता में ज़्यादा न्यूज हमारा होता नहीं है, लेकिन जो न्यूज होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है जनसत्ता का, वो हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बात है भारत सेमीकंडक्टर मिशन को सेमी ने समर्थन देने की घोषणा की। तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर फैक्शन के सीईओ के साथ बात हुआ है। मुक्त खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में श्रीलंका भी प्रमुख साझेदार। जापान को इन्होंने बोला है कि श्रीलंका जो है वो एक हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है, तो श्रीलंका को भी क्या करना है, लेना चाहिए। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए भारत से समर्थन की अपील, ये हम आपको क्या है न्यूज पढ़ दिए हैं। यहाँ पे बात करते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि बाघ की गिनती में मध्य प्रदेश जो है ना फिर क्या ना शीर्ष पे क्या ना बरकरार है। देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि देश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद कहाँ पे है, कर्नाटक में, और सबसे कम जो है वो हमारा उत्तराखंड। मतलब ये हुआ कि भारत में इसका जो संख्या जो है वो सबसे आपको ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, कर्नाटक पे कितना 563 और आपको उत्तराखंड में 560 क्या है ना करीब क्या ना सीटें हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सीटें कोई पूछेगा तो क्या आपको बोलना है कि सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो चीते जो है, सबसे ज़्यादा जो आपको बाघ जो है वो कहाँ पे है, एमपी में है। तो दोस्तों, ये हमारा क्या 29 और 30 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय।